परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज की प्रातःकालीन क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हम बैठकर योगाभ्यास करने वाले हैं, बैठे बैठे कुछ क्रियाएं कुछ आसन हम करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पैरों से शुरू करेंगे, पंजों की क्रिया। पंजों की क्रिया, दोनों पैरों को सामने फैला लें, पैर बिल्कुल मिले हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, इस स्थिति में बैठना है। अब पैरों की अंगुलियों को पूरा प्रेशर देते हुए बाहर की ओर ले जाएंगे, दबाइए, जोर से दबाएंगे, पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा, उसे अनुभव कीजिए। अब अंगुलियों को अंदर की ओर लाते हुए अपनी ओर लाइए, केवल पैरों की अंगुलियों को अंदर बाहर करना है, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। इस तरह कम से कम 10 बार पैरों की अंगुलियों की क्रिया। अंगुलियों के बाद पूरे टखने से प्रेशर देते हुए पंजों को बाहर ले जाइए, टखनों के लिए प्रेशर दीजिए बाहर की ओर, पिंडलियों में जंघाओं में खिंचाव महसूस कीजिए। अब पंजों को अंदर की ओर लाते हुए पूरा अंदर लाइए, एड़ियां हल्की सी उठ जानी चाहिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर। ये जो पैर की यहां से लेके यहां तक पूरा खिंचाओ, पूरा खिंचाओ महसूस करिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब एक पंजा अंदर एक पंजा बाहर, दोनों पैर मिले हुए, पंजों को गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज गोल राउंड, पूरा बाहर राइट, अंदर की ओर लेफ्ट, गोल घुमाइए, गोल राउंड, अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, दो तीन चार पांच। नेक्स्ट, पैरों के पंजों को आपस में टकरा देना है, दोनों पैरों में
कम से कम 1.5 फुट का फासला रखिए, श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजों को अंदर की ओर लाते हुए दोनों अंगूठों को फर्श पर टिकाइए, श्वास भरते हुए बाहर ले जाते हुए पूरा बाहर ले जाइए, अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब आप अंदर लेके आएंगे देखिए दिखाई दे रहा है इस तरह से पैरों में गैप रहेगा 1.5 फुट का, अंदर की लाते समय दोनों अंगूठे फर्श पे टिक जाने चाहिए, बाहर ले जाते समय छोटी अंगुलियां फर्श पे लग जानी चाहिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पूरे पैर में ट्विस्ट आ रहा है उसे अनुभव कीजिए, जंघाओं में पिंडलियों में जो ट्विस्ट आ रहा है उसे अनुभव कीजिए। इन पैरों की क्रियाओं से हमारे पैरों की नसों में सूजन होती है, खून का संचार अगर कम है पैरों में तो खून का संचार बढ़ेगा। वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए क्रिया है बहुत ही फायदेमंद है और ज्यादा समय लगाना है। हर क्रिया को आप 10-10 बार कम से कम करेंगे, जिनको पैरों में प्रॉब्लम है पैरों की क्रिया में ज्यादा समय लगाए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए पहले दोनों पैरों को इस तरह से मिला के रखें और घुटनों को अप डाउन करें, झटके से नीचे लाएंगे, दोनों घुटने एक साथ अप डाउन, रिलैक्स। घुटनों की अगली क्रिया में बायां पैर सीधा रखिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे डालिए, घुटने को खींचकर सीने से लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सीधा। अब श्वास भरते हुए पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर लीजिए, रुकिए यहां पे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आप कुंडली में जंघा में खिंचाव महसूस कीजिए, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। थाई है और जो पिंडली है यहाँ पे खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब गोल राउंड, जिस तरह साइकिल का पेडल मारते हैं उसी तरह गोल राउंड, पैर को अंदर लाते समय पंजा अंदर की ओर, बाहर जाते समय पंजा बाहर की ओर, इस तरह से गोल राउंड, पूरा राउंड, 1, 2, 3, 4 उल्टा, नीचे से बाहर ले जाइए ऊपर से अंदर लाइए, 1, 2, 3, 4, 5। अब पंजे को क्लॉकवाइज गोल राउंड, क्लॉकवाइज घुमाइए, बड़ा सा शून्य बनाते हुए, 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5।
घुटने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, आपका ध्यान घुटने पे होना चाहिए। नेक्स्ट, इस तरह से पैर को मोड़ते हुए तलवे को घुटने के ऊपर रखिए, बाएं हाथ से पैर के तलवे को बीच में से पकड़िए, पैर ऊपर उठाइए, कंधे के बराबर पैर को ले आइए ऊपर, बाएं हाथ बिल्कुल सीधा, दाहिनी हथेली से घुटने को बाहर की ओर धकेलना है, बाहर की ओर धकेलना और पंजे को खींचकर अंदर लेते हुए पैर का अंगूठा नाक को टच करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। नेक्स्ट, पंजे को पकड़े रखिए, पैर को ऊपर उठाते हुए हवा में झुलाइए, पूरा एडी को अंदर लेना है, दोनों साइड हवा में झुलाएं। अब एडी को दोनों ओर फर्श पर टिकाना है, जोर से टिकाना है, पूरा अंदर लेते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। पूरे पैर के साथ घुटने की और एडी की क्रिया भी इसमें हो रही है। नेक्स्ट, इस तरह से पकड़ते हुए घुटने को खींचकर बिल्कुल सीने से लगा लीजिए और फोर्स के साथ झटकते हुए नीचे लाइए, एक, नाक टच कीजिए घुटने पे, फोर्स से छोड़िए, दो, तीन, चार, पांच। अब पैर को जंघा के ऊपरी भाग में चढ़ा लीजिए, बिल्कुल इस तरह से खींचिए, नाक को लेके आइए, नाक तक लेके आइए घुटने को, टच कीजिए, झटके से छोड़िए, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब पैर को घुटने के ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों से थपकी देते हुए दबाइए, जोर से दबाइए, आपका घुटना जो है फर्श को लगना चाहिए, दबाइए जोर से। रिलैक्स। जो क्रियाएं हमने अभी दाहिने पैर से की, अब सारी की सारी क्रियाएं बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से करनी है। दाहिना पैर सीधा कर ले, बाएं पैर को मोड़िए, दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखिए, घुटने को खींचकर सीने से लगा लीजिए। पहले पांच बार अप डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब गोल राउंड साइक्लिंग, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब उल्टा, नीचे से बाहर ले जाइए, ऊपर से अंदर लाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच। क्लॉकवाइज गोल राउंड, एक, दो, तीन, चार, पांच।
एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार पांच। अब तलवे को दाहिने हाथ से बीच में से पकड़िए, पैर को ऊपर उठाइए, कंधे के बराबर पैर आ जाए, बाईं हथेली से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए पैर को खींचिए, पंजे को खींचिए, अंगूठा पैर का अंगूठा नाक को स्पर्श कीजिए, एक दो तीन चार पांच। अब पंजे को पकड़कर पैर को हवा में झुलाएं, एड़ी को पूरा अंदर लेना है, दोनों ओर पूरा अंदर तक लीजिए, ऐसे खाली बाहर नहीं झुलाना, पूरा एड़ी को जितना अंदर ले सकते हैं अंदर लेना है, पूरा अंदर लेते हुए एड़ी को फर्श पे जोर से टिकाना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। नेक्स्ट मोड़िए घुटने को इस तरह से, घुटने पे नाक टिकाइए और फोर्स के साथ छोड़िए नीचे, एक दो तीन चार पांच। अब पैर को जंघा के ऊपरी भाग में रखते हुए ऊपर डाली जंघा के ऊपर खींचिए, घुटने को फोर्स के साथ छोड़िए, एक दो तीन चार पांच। अब पैर को घुटने पर रखते हुए दोनों हथेलियों से जोर से दबाइए, दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरह से पकड़िए, सीने से लगाइए, मेजर सीधा गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए, लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पैर को सीधा कर लें। नेक्स्ट दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह से घुटनों के नीचे रखिए, मुट्ठियां खड़ी रहनी चाहिए, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाइए, एड़ियां ऊपर, खिंचाव कहाँ आ रहा है, पिंडलियों में, जंघाओं में, उसे अनुभव कीजिए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मुठिया खड़ी रहनी चाहिए और मुठिया का सहारा लेना है, अगर आपके पास कोई गोल चीज हो टॉवेल को रोल बना सकते हैं, छोटा पिल्लो भी रख सकते हैं पैर के नीचे, और एड़ियां पूरी उठनी चाहिए, इस तरह से एड़ियां उठ जानी चाहिए, इसमें आप एक एक पैर भी कर सकते हैं, कोई चीज नीचे रखिए और एक पैर उठाइए नीचे लाइए, एक पैर उठाइए नीचे लाइए, इस तरह से, फिर दूसरा पैर
नेक्स्ट, दोनों हथेलियों को इस तरह से रखिए, हथेलियां फर्श पे टिकी हुई, रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब घुटनों को नीचे दबाना है, ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए, घुटनों की ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए पूरा दबाव दीजिए, दबाइए नीचे, दबा के रखिए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। अंगुलियों के अग्रभाग से ढकनियों के चारों ओर गोल गोल घुमाते हुए मालिश कर लें, घुटने की मालिश। अच्छे से मालिश करें, उल्टा घुमाते हुए पूरे घुटने की मालिश, हथेलियों से ढकनी को हिलाते हुए। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हथेलियां पीछे की ओर टिकाते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अभी हमने पंजों की, टखनों की और घुटने तक की क्रियाएं कर ली। अब घुटने के बाद जंघाओं के लिए, जंघाओं के लिए इन क्रियाओं से भी आपको जंघाओं में एक्सरसाइज होती है, या जंघाओं में खिंचाव आता है। कुछ और क्रिया है जो हम खाली सिर्फ जंघाओं के लिए करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाइए, पंजों को मिलाते हुए पंजों को पकड़ लीजिए, पंजों को पकड़कर अपनी ओर खींचिए, खींचिए अपनी ओर, जितना अंदर ले सकते हैं अंदर ले लीजिए। अब घुटनों को प्रेशर देते हुए पूरा नीचे की ओर दबाइए, दबाइए जोर से, दोनों घुटनों को नीचे दबाते हुए। कोशिश कीजिए आपके घुटने फर्श को छू जाए, मोची आसन, आसन का नाम है मोची आसन। जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। अगर घुटने नीचे नहीं जा रहे तो धीरे से इस तरह से दोनों हथेलियों से दबाते हुए नीचे ले लीजिए। आगे नहीं झुकना है, सीधा बैठना है। जंघाओं में खिंचाव आ रहा है उसे अनुभव कीजिए। इस तरह से आप जंघाओं में खिंचाव महसूस करते हुए घुटनों को दबाएंगे तो वहां पे रक्त का संचार अगर कम हो रहा है जंघाओं में, संचार बढ़ेगा, टॉक्सिन्स जो वहां जमे हुए हैं वो हटेंगे, वहां से निकलेंगे। अब इसी आसन में बैठे बैठे घुटनों को अप डाउन करते हुए तितली आसन, घुटनों को अप डाउन करें, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, धीरे धीरे गति को बढ़ाएं। थोड़ा फास्ट, तितली आसन, धीरे धीरे गति को कम करते हुए रुकने की पोजीशन में आ जाएंगे। तितली आसन जंघाओं की चर्बी कम करने के लिए तो है ही, और साथ में जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। बवासीर के लिए एक और विशेष प्रयोग डोलासन, डोलासन पाइल्स के लिए, स्पेशल पाइल्स के लिए है, बाकी जंघाओं के लिए भी है। इसमें भी आपको इसी तरह मोची आसन में बैठे रहना है और डोलना है, राइट लेफ्ट, दोनों घुटनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए। डोलिए डोलिए, एक घुटना आपका नीचे फर्श को छुएगा, दूसरा घुटना बिल्कुल ऊपर छत की ओर आ जाएगा। डोलते रहिए, मस्ती में झूमते हुए डोलिए, तनाव भी कम होगा, टेंशन भी कम होगा। डोलिए मस्ती के साथ, डोलासन।
पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको है, इस क्रिया में ज्यादा समय लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, मेरा खुद का अनुभव है। पाइल्स की प्रॉब्लम से भुगत रहा था मैं और इसी आसन से मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हुई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करते हुए इन क्रियाओं का सहारा लिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पाइल्स की अभी। अब इसी क्रिया को हम आगे पीछे होते हुए करेंगे, डोलते हुए बिल्कुल पीछे तक जाएंगे, डोलते हुए वापस धीरे धीरे नितंबों के बल चलना है। आगे आइए, दस की गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। पैर आपके चाहे पैर वही रहते हैं, इसमें नितंबों के बल चलते हुए आगे पीछे होना होता है। तो डोलासन हमने दो प्रकार से बताया आपको, जगह पे बैठे बैठे डोलना और डोलते हुए आगे पीछे होना। रिलैक्स। नेक्स्ट, इसी आसन में बैठे रहेंगे जंघाओं के बाद। अब हम कमर के लिए कुछ क्रिया करेंगे। पहले इसी आसन में बैठे बैठे गोल राउंड पूरा आगे तक आएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, नजरें सामने, राइट साइड पूरा पीछे, लेफ्ट साइड आते हुए क्लॉकवाइज राउंड, 2 3 4 5। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी सामने रहनी चाहिए नजरें, ताकि आपके थायराइड में भी खिंचाव होना हुआ रहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। इसी आसन में बैठे बैठे एक प्रयोग और करेंगे, गर्दन सीधी, मेदन सीधा, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए नाक को पैरों के अंगूठे पर टच करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। अब श्वास भरते हुए केवल गर्दन को उठाइए, नजरें सामने, थायराइड में खिंचाव महसूस आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए सीधे, 4 की गिनती के साथ 1 2 3 4। इसमें आप देखिए रीढ़ की हड्डी पे क्या हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। जब आप नीचे झुकते हैं रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर बेंड होती है, जब गर्दन उठाते हैं रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाइए, वापस रीढ़ की हड्डी को ऊपर लेते हुए नाक टच कीजिए, श्वास भरते हुए सीधे। रीढ़ की हड्डी इस बार आपकी इस तरह से अप डाउन होगी, इसमें मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। मेरुदंड के लिए एक और प्रयोग हम घुटनों के बल आते हुए करेंगे, इसे कहते हैं कैट पोज, मार्जनासन। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 1.5 फुट का फासला, दोनों हाथों में भी उतना ही फासला रखिए। पंजे बाहर की ओर, हथेलियां पूरी जमीन पे टिकी हुई, अंगुलियों को फैला दीजिए, हथेली की अंगुलियों को, ये स्थिति, पूरा श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठपूत में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर पूरा ऊपर लेकर जाइए। श्वास भरते हुए नजरें ऊपर छत की ओर, रीढ़ की हड्डी नीचे। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स। अभी हमने जो प्रयोग किया इसका नाम है मार्जरासन या कैट पोज। घर में अगर छोटा बच्चा है तो बच्चे को पीठ पे बैठा लीजिए। आप लोग बच्चों के साथ खेलते भी होंगे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो बच्चे को कमर के ऊपर बैठाते हुए इस क्रिया को करेंगे, आपको भी आनंद आएगा, बच्चा भी आपका बिल्कुल आनंदित होगा। तो अभी हमने कैट पोज मार्जरासन का अभ्यास किया। अब हम करेंगे पेट के लिए, पेट की क्रिया। पेट के लिए पहले हम करेंगे कपाल भाति। कपाल भाति, होश के साथ केवल श्वास को बाहर छोड़ना है। जो ही श्वास बाहर, पेट अंदर। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, कमर की क्रिया भी हमें लेनी थी। कमर की क्रिया पहले ले लेते हैं, बाद में पेट की क्रिया बाद में ले लेंगे। कमर की क्रिया जरूरी है, कारण कमर दर्द आजकल आम बात हो गई है सबके लिए। घरों में कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कंधों के दर्द, गर्दन दर्द, तो कुछ कमर की क्रिया हम पहले ले लेते हैं। कमर की क्रिया में दोनों पैरों को सामने इस तरह से फैलाइए, पैर बिल्कुल सीधे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। श्वास भरते हुए बिल्कुल पीछे तक जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। कोशिश करना है आपके घुटने नहीं उठे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, और हाथ की अंगुलियां जो है पैर के अंगूठों से बाहर निकल जाए। ध्यान रखिए इस तरह से पूरा आगे आइए। एक, दो, एक, दो। कमर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए आपके जंघाओं में और पिंडलियों में भी खिंचाव आ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। आगे पीछे बैठे बैठे इस तरह से आगे पीछे होना है। नेक्स्ट, नौका चलाना है। दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नौका चालन, इस तरह से पीछे जाएंगे फोर्स के साथ, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हुए। जब आप आगे आते हो आवाज के साथ, फोर्स के साथ आगे आएंगे, तो आपके फेफड़े की क्रिया भी होगी, कंधों की क्रिया हो रही है और पेट और कमर की क्रिया हो रही है। नौका चालन बहुत ही बढ़िया प्रयोग, इसका अभ्यास आप नियमित करें, पेट की चर्बी कम होगी, कंधों के लिए भी बहुत फायदेमंद, खास करके जब आप आवाज करते हो और जोर से भी आवाज कर सकते हैं, जैसे नाविक लोग नौका चालन समय करते हैं, हेयो 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 हेयो, इस तरह से आवाज करते हुए नौका चलाते हैं, तो उनका देखिए नाविक लोगों को कभी मोटे नहीं होंगे, उनका पेट कम रहेगा,
फेफड़े मजबूत रहेंगे, कंधे भी मजबूत रहते हैं, कारण उनकी हैबिट हो गई ना। तो अभी हमने नौका चालन किया, नौका चालन के बाद चक्की चालन दोनों पैरों के बीच फासला रहेगा पूरा जितना फासला कर सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथों को मिलाते हुए, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए गोल घुमाइए। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, आप भी एंटी क्लॉकवाइज दे लीजिए। पूरा राउंड होना चाहिए और हाथ बिल्कुल सीधे रखते हुए कोशिश करेंगे इस तरह से, फिर आप पीछे जाएंगे पूरा आगे और पीछे चक्की चलाने की क्रिया। अब क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार पांच, चक्की चला ली हमने, आटा पीस लिया। अब रोटी बनाओगे तो उसके साथ क्या लगेगा, मक्खन लगेगा या घी भी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो छाछ मिलाना, छाछ मिलाना, कोहनी को पूरा पीछे ले जाना है। आप कमर के लिए कर रहे हो, आपका ध्यान कमर पे रहना चाहिए, लेकिन इस क्रियाओं से कमर, फेफड़े, कंधे सारी क्रिया हो रही है। इसको कमर की क्रिया के साथ में भी जोड़ सकते हैं, फेफड़ों की क्रिया में भी ये फायदेमंद है और कंधों के लिए भी फायदेमंद है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आपको नियमित करना है। नेक्स्ट, पैरों को फैला लीजिए इस तरह से, दोनों हाथों की अंगुलियों से बाकी तीनों अंगुलियों को मोड़ लीजिए, अंगूठे को पकड़िए, कोहनी को घुटने पर टिकाइए, ये पोजीशन, राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए लेफ्ट साइड, पैर के अंगूठे को टच कीजिए, श्वास भरते हुए वापस आइए। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अभी हमने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ा, अब राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए, कोहनी को घुटने पर टिकाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। इस क्रिया को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए पूरा पीछे ले जाइए, कमर के पीछे से अंगुलियों को आगे तक लगाने का प्रयास करें, राइट हैंड ऊपर, एक दो, एक दो, ये हाथ जो है बिल्कुल सीधा रहेगा और कान से सटा हुआ रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए, एक दो, एक दो, तो हाथ बदलिए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, रिलैक्स। बहुत ही आसान, सरल और सभी उम्र के लोग कर पा सकते हैं इन क्रियाओं को, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, बुजुर्ग लोग भी इन क्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं। तो जो क्रियाएं हमने बताई अभी तक आपको, पैरों के अंगूठे से लेकर कमर तक की, इनका अभ्यास नियमित करना है। कमर की आखिरी क्रिया भूमि नमन, भूमि नमन, दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, सामने फैले हुए, इसमें कमर को ट्विस्ट देते हुए पहले बाईं ओर से शुरू कर सकते हैं और दाहिने से भी कर सकते हैं, हम पहले बाईं ओर से शुरू कर रहे हैं। एक में श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर नीचे आते हुए नाक को मैट के सेंटर में लगाने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए वापस आइए,
श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से नीचे आइए, श्वास भरते हुए सीधे, चार की गिनती के साथ कीजिए आप, एक लेफ्ट साइड, दो तीन राइट साइड, चार, एक राउंड और, एक दो तीन चार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब दोनों पैरों को फैला लीजिए, फैला के दो राउंड तीन राउंड और कर लीजिए, एक दो चार, एक दो तीन चार, एक पूरा नीचे तक आइए, दो तीन चार, भूमि नमन अभी हमने किया। इसमें हमारे रीढ़ की हड्डी में भी ट्विस्ट आता है, मेरुदंड में भी ट्विस्ट आता है, पेट के में भी खिंचाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो पेट के लिए, कमर के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग, और साथ में जंघाओं में भी खिंचाव महसूस हो रहा होगा जब आप करते हो, आपको फील हो रहा है। तो सारी क्रियाओं से हमारे चर्बी कम होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, टॉक्सिन्स अगर बाहर निकलेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। छोटे छोटे प्रयोग, आसानी से किए जाने वाले प्रयोग सभी के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट, अब आ जाए कपाल भाती। होश के साथ श्वास को बाहर निकालना, जो ये श्वास बाहर पेट अंदर, आप हथेली को पेट पर रखते हुए अनुभव कर सकते हो कि जब आप श्वास छोड़ते हैं आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पेट अंदर जाना चाहिए, मांसपेशियां पेट के अंदर जाएगी, श्वास बाहर आएगा। अब इसी क्रिया को आप आवाज के साथ भी कर सकते हैं, आवाज के साथ हूं की आवाज के साथ पेट अंदर जाना चाहिए, पेट अंदर जा रहा है, पेट में नाभि पे जैसे चोट पड़ रही हो हथौड़े की, इस तरह से अनुभव करते हुए, इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं, पेट भी कम होता है, कपाल भाती, और ब्रेन में भी स्ट्रोक लगते हैं। नाम जैसे कपाल भाती है तो कपाल भाती से बहुत फायदे हैं, आप नियमित अभ्यास करें। नेक्स्ट, पेट को अंदर लेते हुए श्वास को बाहर निकालिए, श्वास को रोकिए, श्वास को रोकते हुए पेट को हिलाना, जितनी देर श्वास को रोका जा सकता है श्वास को रोक के रखना है, पेट को अंदर बाहर करना। एक बार और करें, रिलैक्स। जिनको दमे की प्रॉब्लम है वो सांस रोकने की क्रिया ना करें, कुंभक ना करें। जिनको दमे का प्रॉब्लम चल रहा हो उनको कुंभक नहीं करना चाहिए, करते हो तो बहुत थोड़े समय के लिए, ज्यादा लंबा ना करें। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, हम अभी तक पेट तक ही पहुंचे हैं, ऊपर के हिस्से हमारे छूट रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जब करेंगे इस बार ऊपर से शुरू करके यहाँ तक ऊपर से आ जाएंगे, एक दिन और लगेगा हमें पूरी क्रियाओं को संपन्न करने में।
इस क्रिया के साथ एक क्रिया हम और जोड़ेंगे अभी, उसके बाद आज समापन करेंगे, वो है त्रिबंध या महाबंध। त्रिबंध, तीन प्रकार के बंध बताए गए, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध में मल द्वार को अंदर की ओर, उदा को अंदर की ओर संकुचित करना होता है, श्वास को रोकना होता है। उड्डयन बंध में पेट अंदर जाता है, पेट में गड्ढा हो जाता है, श्वास को रोकते हैं। और जालंधर बंध में नेक लॉक, ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए श्वास को रोक लेना। तीन प्रकार के बंध, तीनों बंध एक साथ लगाएंगे, तीनों बंध एक साथ। तो पैरों की पोजिशन इस तरह से कर लीजिए, आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन ये उससे भी बढ़िया प्रयोग है, इस तरह से आप बैठिए। अब श्वास छोड़ते हुए तीनों बंध एक साथ, मूल बंध, पेट अंदर, ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए श्वास को रोकिए। श्वास भरते हुए तीनों बंद एक साथ खोलना। एक बार और करें। रिलैक्स, रिलैक्स। पांच बार अनुलोम विलोम कर ले। या तो हमारे पास समय कम रहता है, हम अनुलोम विलोम या पांच या सात राउंड ही करवाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपको ज्यादा समय तक करना है, कम से कम पांच मिनट तक करना है, पांच मिनट, और दिन में तीन बार करना है, जब भी आप खाली हो, दोपहर को, शाम को, अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करना है। समय हमारा संपन्न हो चुका है, दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र का वाचन करेंगे, संकल्प सूत्र बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन सभी वाहिनी शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज का हमारा समय संपन्न, कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आपसे इजाजत दे रहा हूं।